हमारा क्वेश्चन है फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपके दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, दो सॉल्यूशन नहीं दो इक्वेशंस दे रखे हैं। ठीक है, तो इसने कहा, क्या कहा, इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, उसका मतलब क्या है, आपका क्या आना चाहिए, आपका इन टर्म्स ऑफ रेशियोस में, रेशियोस के हिसाब से आपका आना चाहिए ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ठीक है, तो हमारा ये आना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। हमको पहले से प्रैक्टिस डाल देनी है कि सबको हमको लेफ्ट में लेकर आना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो हम सबको लेफ्ट में लेकर आ जाते हैं। तो लेफ्ट में लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है हमारा, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस फुल। आपका ये पूरा है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साइन चेंज होंगे हर एक चीज के। तो माइनस थ्री ए माइनस बी प्लस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको रेशियोस में लिखते हैं। तो रेशियोस में x का रेशियो हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला a1 वन बाई ए टू का क्या हो जाएगा, 2 बाई ए माइनस बी। ठीक है, दैट इज शुड बी इक्वल टू, क्योंकि इसने बोला इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, दैट शुड बी इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू क्या है, माइनस 7 बाई माइनस 3a माइनस बी प्लस 2। ठीक है, तो अभी इसने कहा, क्या कहा, कि a एंड b का वैल्यू निकालना है। तो a एंड b का वैल्यू आप कैसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी दो को लेके, एनी टू। तो हम लेंगे फर्स्ट दो को, ये दोनों को। ठीक है, फर्स्ट दो को लेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारा आएगा 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3a एंड माइनस 3b। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब a को एक साइड में लेकर आएंगे, b को एक साइड में लेकर आ जाते हैं हम। तो हमारा क्या होगा, ये वाले को इस साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 2b प्लस 3b। ये वाला इस साइड में आ जाएगा, है ना, करके देखो आप लोग। तो हमारा क्या है, हमने a को लेफ्ट में लेकर आए हैं तो हमारा क्या हो गया, 3a माइनस 2a। ठीक है, और हमने क्या किया फिर, 2b जो यहां पर ही था हमारा, तो 2b माइनस का क्या होगा, प्लस 3a, तो प्लस 3b सॉरी। तो हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू 5b, a इज इक्वल टू 5b। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई, लेकिन हमारा आंसर नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, सॉरी नेक्स्ट लेंगे हम। तो नेक्स्ट हम ये ले लेते हैं,
ठीक है, तो ये ब्लू वाला हमारा क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारा आएगा माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 7 एंड माइनस 7a माइनस 7b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, आ गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a को इस साइड में लेकर आएंगे या कहीं पर भी आप रख सकते हो, तो हम रख लेते हैं, सबको लेफ्ट में लेकर आ जाते हैं चलो। तो हमारा हो जाएगा माइनस 9a प्लस 7a माइनस 3b प्लस 7b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा माइनस 2a माइनस 2a, इसको सॉल्व करोगे आपका क्या आएगा प्लस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक आ गया, ये एक आ गया। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहां पर माइनस 2 इंटू 5b प्लस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया माइनस 10b प्लस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 10b प्लस 4b कितना हो गया हमारा माइनस 6b, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को इस साइड में लेकर आएंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा माइनस 6b इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कट गया तो b इज इक्वल टू 1, b हमारा 1 आ गया। अब हम a निकालेंगे इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन था हमारा a, हमारा इक्वेशन क्या था a इज इक्वल टू 5b, तो a कितना हो गया 5 इंटू b इज 1 तो इज इक्वल टू 5, ठीक है। b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1, ठीक है, आपको ऐसे करना है। हमारा क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका दे रखा है 3x plus 1 is equal to 1, 2k minus 1 x plus k minus 1 y is equal to 2k plus 1, ठीक है। तो इसने बोला, क्या बोला, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस किसमें होता है हमारा, वेन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस का रेशियोज के हिसाब से, कोफिशिएंट के रेशियोज के हिसाब से निकालोगे तो आपका क्या आता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, सबको लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे, तो हमारा क्या आएगा 3x plus y minus 1 is equal to 0। सेकंड वाले का हमारा क्या आएगा 2k minus 1 x plus k minus 1 y minus, इसको भी हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं, 2k plus 1 is equal to 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, अब इसको इन टर्म्स ऑफ रेशियोस लिखते हैं हम, तो हमारा क्या आएगा 3/2k-1 इज इक्वल टू, है ना, बीच में इज इक्वल टू है, b1 का क्या है हमारा 1/k-1,
ठीक है, फिर क्या है हमारा नॉट इक्वल टू क्या है माइनस वन बाई माइनस टू के प्लस वन, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अब इतना बड़ा इक्वेशन आ गया हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे ये वाला इक्वेशन लेते हैं नॉट इक्वल टू, क्या नहीं होना चाहिए, व्हाट शुड नॉट बी देयर, ठीक है। तो ये लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा के माइनस वन इज नॉट इक्वल टू टू के प्लस वन, ये इस साइड में लेके जाते हैं तो हमारा क्या आएगा 2k माइनस k इज नॉट इक्वल टू और माइनस वन, ये भी इधर आ जाएगा माइनस वन, तो क्या हो गया हमारा k शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस टू, k शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो k माइनस टू नहीं है तो k क्या है, वॉट इज k, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट हम लोग लेंगे ये वाला, ठीक है, k शुड नॉट बी माइनस टू, देन वॉट इज k, तो रेड वाला लेते हैं हम, तो रेड वाला हमारा क्या है 3 बाई टू के माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई के माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3k माइनस थ्री इज इक्वल टू टू के माइनस वन, ठीक है। 2k को लेफ्ट में लेकर आओ, माइनस थ्री को राइट में लेकर जाओ, तो आपका क्या आएगा 3k माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस वन एंड प्लस थ्री, सॉल्व करोगे 3k माइनस टू के इज k इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री इज टू, योर k शुड बी टू बट नॉट माइनस टू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले इसने बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करना है, ठीक है, करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ऐसा मेथड है ना, ये वाला मेथड करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, ठीक है। इक्वेशन वन से, फर्स्ट इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x क्या हो जाएगा हमारा 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y, 5y राइट साइड में आ गया, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8, ठीक है। अब इस वैल्यू को, ये x की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट x वैल्यू इन टू इक्वेशन टू, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा 27 माइनस 15y, है ना, 3 9 जा 27 माइनस 3 5 जा 15, 15y बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 8 को एलसीएम लेंगे यहां तक, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 8 टू जा 16y बाई 8 इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में सॉल्व भी करते जाएंगे तो हमारा क्या आएगा
27 माइनस 15y प्लस 16y कितना होता है y इज इक्वल टू 8 4 जा 32। 27 को इस साइड में लेकर आओगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा y इज इक्वल टू 32 माइनस 27। तो y आपका कितना आ गया, y हमारा आ गया 32 माइनस 27 कितना होता है 5। तो y हमारा 5 आ गया। देन व्हाट इज x, तो अब इस वैल्यू को हम डालेंगे किसके अंदर, x वाले में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में जहां से हमारा x निकल के आया था। तो हमारा क्या था, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 5 बाई 8, ठीक है, 9 माइनस 5 इंटू 5 बाई 8। तो हमारा कितना आ गया, अब x इज इक्वल टू 9 माइनस 25 बाई 8, ठीक है। तो 9 माइनस 25 कितना होता है हमारा, माइनस 16, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 8 इज इक्वल टू, कट करोगे तो आपका आएगा माइनस 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2, ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है। अब हम इसी को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने आपको बताया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है सबको लेफ्ट साइड में। तो हमारा क्या है, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x by, जब x का ले रहे हैं तो x की वैल्यू यू विल नॉट सी, ठीक है, तो x हम नहीं देखेंगे। तो हम क्या कॉन्फिशन क्या दिखाई दे रहे हैं, 5 2 माइनस 9 एंड माइनस 4 दैट इज इक्वल टू y। अब y को नहीं देखेंगे हम लोग, विल नॉट सी y, एंड राइट साइड से देखेंगे तो माइनस 9 माइनस 4 8 एंड 3 दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में 1 बाई, यू विल नॉट सी दिस, आपको क्या दिखाई देगा 8x यानी 8 बाई 3 एंड 5 एंड 2। आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये दोनों पास में होंगे, पेयरिंग में होंगे, सेंटर में, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं इनको क्या होता है, x बाई 5 इंटू 4 माइनस 4, 5 इंटू माइनस 4 इज माइनस 20, ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे। अब हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं तो माइनस साइन, 2 इंटू माइनस 9 इज माइनस 18 इज इक्वल टू y बाई माइनस 9 इंटू 3 इज माइनस 27 माइनस माइनस 4 इंटू 8 इज माइनस 32 इज इक्वल टू 1 बाई 8 टू जा 16 माइनस 3 5 जा 15। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x बाई माइनस 20 प्लस 18 इज इक्वल टू y बाई माइनस 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 1 बाई 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x बाई 2 इज इक्वल टू y बाई, x बाई 2 नहीं, माइनस 20 प्लस 18 इज x बाई माइनस 2, एंड यहां पर y बाई माइनस 27 प्लस 32 इज 5 इज इक्वल टू 1 बाई 1, ठीक है। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा x बाई माइनस 2 इज इक्वल टू
and constant 1 by 1. Cross multiply karenge, we will get x is equal to minus 2. ठीक है, अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा है y by 5 is equal to 1 by 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y is equal to 5. ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कैसा है, आप ध्यान से देखें, minus 2 x is equal to minus 2 x is equal to minus 2 सेम, y is equal to 5 y is equal to 5 ये भी हमारा सेम आ गया. ठीक है, आपको ऐसे करना है.